हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे रेडमी 6 प्रो का EMI अकाउंट कैसे अनलॉक करेंगे। क्या होता है कि जब आप मोबाइल को हार्ड रीसेट करते हैं या फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो दोस्तों मोबाइल में अगर आप EMI अकाउंट पहले से बनाए हुए हैं और उसको रिमूव नहीं करेंगे, तो इसमें EMI अकाउंट अनलॉक हो जाता है और आपको यहाँ पर अनलॉक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको बैक पैनल को उतार लेना है और यहाँ पे देख रहे हैं IP8 बूट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके बीच में दो यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, इसको एडियल पॉइंट कहते हैं। और इस मोबाइल को दोस्तों अनलॉक करेंगे, EMI अकाउंट अनलॉक करेंगे हम आपका ये अनलॉक टूल के जरिए, और ये EDL मेथड से कनेक्ट करके हम अनलॉक करने वाले हैं। EDL मेथड से कनेक्ट करने के लिए आपको ट्यूजर के माध्यम से इस दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना होगा और आपको तब जा करके माइक्रो USB केबल के द्वारा इसी से कनेक्ट करना होगा। और इस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल का बैटरी को डिसकनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों अभी हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में क्वालकम HS USB QD लोडर 9008 COM10 यहाँ पे एक पोर्ट तैयार हो चुका है। और यहाँ पर अभी हम अनलॉक टूल को ओपन कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले क्लिक करेंगे EMI पर। इसके बाद आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी पर, और यहाँ पे सिक्योरिटी पर क्लिक करते ही एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सर्च करना है Redmi 6 Pro। देख सकते हैं यहाँ पे टूल में भी स्वामी Redmi 6 Pro EDL यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि EDL मेथड से आपको कनेक्ट करना है। और उसके बाद से यहाँ पे टूल में आपको क्लिक करना है डिसेबल EMI रिसेट या डिसेबल EMI क्लाउड पर। और दोस्तों, पहले से ये मोबाइल हमारा EDL मेथड के द्वारा कनेक्टेड है, चूँकि यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में भी देख सकते हैं क्वालकम QD लोडर का एक पोर्ट तैयार हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ ही देर में मोबाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है कि ऑल टोटल यहाँ पे इसका EMI अकाउंट और FRP दोनों जो है कि वन क्लिक में यहाँ से रीसेट हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर समय लगता है, चूँकि यहाँ पर ड्राइवर यहाँ पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है। दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर में क्वालकम HS USB QD लोडर 9008 का पोर्ट तैयार नहीं होता, तो एक बार क्या करना है कि आपको फिर से क्वालकम का USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद से भी अगर पोर्ट तैयार नहीं होता है, तो आपको मोबाइल का चार्जिंग जैक या चार्जिंग सब बोर्ड को रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों 100% आपका कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर में क्वालकम HS USB QD लोडर 9008 का पोर्ट तैयार हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से दोस्तों यहाँ पे आप इजीली Redmi 6 Pro को आप EMI अकाउंट या फिर FRP या फिर पैटर्न पिन पासवर्ड कुछ भी अगर अनलॉकिंग करना चाहते हैं या फिर फ्लैशिंग करना चाहते हैं, तो इजीली आप कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, टूल में इरेजिंग लॉक डेटा ओके लिख के आया है और इरेजिंग यूजर डेटा भी ओके लिख के आया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों EMI क्लाउड भी यहाँ पे डिसेबलिंग EMI क्लाउड ओके हो गया है और इरेजिंग FRP भी ओके लिख किया जाता है। और इसके बाद से यहाँ से मोबाइल को ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट कर देता है, यानी कि रिबूटिंग भी यहाँ पे इस टूल में यहाँ पे ओके देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि आपका EMI अकाउंट अनलॉकिंग सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल को भी निकाल लेना है और जो बैटरी कनेक्टर को डिसकनेक्ट किए थे, अब इसको फिर से कनेक्ट करना है और मोबाइल को यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके मोबाइल को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है। देख सकते हैं स्क्रीन पर Redmi लिख के आया और उसके बाद से ऑटोमेटिक यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रहा है, EMI अकाउंट और साथ में FRP सारा चीज़ फॉर्मेटिंग हो जाता है और फिर से मोबाइल यहाँ पे रिबूट हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल कंप्लीट स्टार्ट होने में कम से कम 5 या 10 मिनट का समय लगेगा, तो आपको यहाँ पर वेट करना है मोबाइल का, अदरवाइज़ कोई भी बटन दोबारा से प्रेस नहीं करना है। पावर एंड वॉल्यूम
अप या डाउन कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है और यहाँ पे फाइनली कंप्लीट यहाँ पे मोबाइल आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। और फाइनली देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और स्क्रीन पर MIUI 12 लिख के आ जाता है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, रीजन इंडिया सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और कनेक्ट नेटवर्क में यहाँ पे स्किप पर क्लिक करना है और टर्म एंड कंडीशन में यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी स्किप करना है। उसके बाद से गूगल सर्विसेज आता है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से आ जाता है जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों टाइम लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है सेट पासवर्ड, तो अभी हम पासवर्ड नहीं सेट करेंगे, स्किप कर लेते हैं। एडिशनल सेटिंग आता है, नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट डिफॉल्ट लॉन्चर क्लासिक रहने दीजिएगा और सेटअप कंप्लीट स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा आ चुका है। और फाइनली आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन लोडिंग होता है। और कुछ ही देर में दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल फाइनली स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। देख पा रहे हैं फाइनली यहाँ से मोबाइल हमारा अनलॉक हो चुका है। MI अकाउंट और साथ में FRP दोनों यहाँ पे वन क्लिक में यहाँ पे रिसेट हो जाता है। और यहाँ पे अबाउट फोन में आपको एक बार यहाँ पे कंफर्मेशन करा देता हूँ। देख सकते हैं ये जो मॉडल है Redmi 6 Pro है और इसका मॉडल नंबर होता है M1805D1SG। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।